स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कालीबाड़ी सेक्टर 6 में चल रहे 3 दिवसीय पौष मेले का समापन रविवार रात को हुआ। इस अवसर पर गीत संगीत प्रतियोगिता में अव्वल रहे प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही मंदिर परिसर में रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। कोलकाता की तर्ज पर प्रथम वर्ष भिलाई नगर कालीबाड़ी में 3 दिवसीय पौष मेले का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। परिसर में लगे खाद्य पदार्थ भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। 3 दिवसीय पौष मेले के दौरान हिंदी बंगाली गीत संगीत की प्रस्तुतियाँ विभिन्न आयु वर्ग में प्रतिभागियों ने दी। समापन अवसर पर विजेता रहे प्रतिभागियों का सम्मान निर्णायकों द्वारा किया गया। अतिथियों का सम्मान समिति द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित नगर पालिक निगम रिसाली के पार्षद और MIC मेंबर अनूप डे, सुमन शील, अजय मिश्रा एवं समिति की महिला पदाधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी नमस्कार। ये सबसे पहले 12 तारीख को हम स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रभात फेरी रैली निकाला गया था। उसके तत्पश्चात फिर ये कार्यक्रम हुआ जिसमें संगीत का कार्यक्रम था। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये हमारे बंगाली समाज का एक बहुत बड़ा गौरव का ये कार्यक्रम था जिसमें काफ़ी बच्चों ने और हर वर्ग के लोग यहाँ पे आए। हर वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और काफ़ी अच्छा एक सराहनीय कार्य रहा। इसके लिए मैं पूरे कमेटी और पूरे बंगाली समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होने से हमारे बीच में एक एकता और एक अच्छा सा एक मैसेज जाता लोगों तक और ये हमेशा बना रहे, ये मैं चाहता हूँ। ये कार्यक्रम बंगाली समाज के द्वारा बहुत दिन से एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था। असल में ये कार्यक्रम 15 तारीख को जो हमारा मकर संक्रांति है, इसको हम बंगाली लोग पोष मास का ये अंतिम दिन होता है। इस समय खजूर गुड़ के द्वारा बनाए गए पूरे व्यंजन हम बंगालियों के घर में हमेशा बनता है। तो सेक्टर 6 कालीबाड़ी के अजय मिश्रा, संजय दादा और हम सबके द्वारा ये एक हमने सोचा था कि इसको हम एक मेले के रूप में क्यों ना इसको परिवर्तित करें, जिसमें पूरे बंगाली समाज की महिलाएँ जो उनके व्यंजन है वो हम बंगाली समाज और दूसरे हमारे जो दूसरे कास्ट के हमारे भाई बंधु हैं हम उन तक इस व्यंजन को पहुंचाएं। साथ ही साथ हमने एक सपना और भी देखा कि क्यों ना इसको इसमें हम म्यूज़िक कंपटीशन को भी इसमें हम शामिल करें। देखिए कमी तो बहुत खल रही है क्योंकि बंगाली समाज, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, करीब करीब 18% बंगाली वोटर्स हमारे भिलाई में हैं जो वोटिंग करते हैं और उसका पूरा लीड जो है वो सेक्टर 6 कालीबाड़ी करती है। हम लोग विगत 5-7 साल से यहाँ पर डोम का एक डोम सेट का मांग कर रहे हैं ताकि हम लोग के कार्यक्रम जो हैं यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं और अपने वादे कर चुके हैं। माननीय विधायक जी भी हमने पिछले 300 वर्षों से हमको बोल रहे हैं और ये जो ठंड में हम लोग कार्यक्रम कर रहा, यदि ये डोम सेट रहता तो जो सब इधर उधर भग के बैठ रहे हैं, हमको अलाव जलाना पड़ रहा है, वो सब नहीं रहता और एक भव्य कार्यक्रम और होता। पौष मेला जो है वीरभूमि बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके उपरांत पूरे बंगाल में पौष महीने में ये पूरा बंगाल में गली गली में पौष मेला मनाया जाता है। इस पौष मेला को छत्तीसगढ़ में पहली बार भिलाई नगर कालीबाड़ी समिति के द्वारा यह प्रथम वर्ष आयोजित किया गया है क्योंकि ये जो पौष मेला है इसमें बंगाल के विभिन्न प्रकार के व्यंजन जिसमें कि पीठे जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर लोग इसका सेवन करते हैं, उस पीठे को मेन उद्देश्य से लोगों की जो आज धीरे धीरे आने वाली जो पीढ़ी है उसे भूलते जा रहे हैं, उस पीढ़ी को फिर से इस पीठी की परंपरा को लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोग इसको समझ सके और साथ में जो कि मैंने पहले ही बताया कि वीरभूमि से जो यह मेला प्रारंभ हुआ है वो मेले में कई ऐसे स्टॉल रहते हैं जिनकी संस्कृति संस्कार तक पहुंच सके, उन्हीं उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जिसमें कि लगभग हमारे भिलाई के अलावा दुर्ग जिले रायपुर से ही लोग यहां सम्मिलित हुए हैं। आइए देखते हैं गीत संगीत की खास झलकियां। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।